हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हो तो मैं डॉक्टर अनुज गोस्वामी आपका अपने यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, मलद्वार के अंदर जितनी बीमारियां हैं या इससे जुड़े जितने भी लक्षण होते हैं उन सबको हम समय समय पर आपके सामने लेके आते रहते हैं, और कुछ वीडियोज ऐसी होती है हमारी जो पेशेंट के रिव्यू आपके सामने लेके आती है। इस माध्यम से हम ये चाहते हैं फ्रेंड्स कि क्षार सुत्रा को लेके और आयुर्वेद को लेके जो भ्रांतियां समाज के अंदर फैली हुई है वो भी पूर्ण रूप से 100% खत्म हो सके। और ये जो भ्रांति सबसे बड़ी है कि पेशेंट को क्षार सुत्रा के दौरान बहुत ज्यादा दर्द होता है, स्पेशली फिशर के पेशेंट्स, क्योंकि वो पेशेंट पहले से ही दर्द के अंदर आते हैं, उनके दिमाग में ये होता है कि क्षार सुत्रा कराएंगे तो हमको बहुत ज्यादा दर्द होगा, अनबियरेबल पेन होगा, क्योंकि ऑलरेडी वो पेन से सफर करते रहते हैं, पेन को बर्दाश्त करने की क्षमता उनकी खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से उन पेशेंट को बहुत ज्यादा डर होता है। तो इस तरह के पेशेंट्स का रिव्यू आपके सामने जब आएगा, जब पेशेंट अपने मुंह से आपको बताएगा कि क्षार सुत्रा की जो क्वालिटी है, जो क्षार सुत्रा की सुंदरता है वो कैसी है, और पेशेंट का सेटिस्फेक्शन लेवल कहां तक गया ट्रीटमेंट के बाद। चलिए फ्रेंड्स, पेशेंट के मुंह से ही सुनते हैं कि उसकी क्षार सुत्रा के दौरान क्या क्या प्रॉब्लम उसको फेस करनी पड़ी, कितना दर्द उसको बर्दाश्त करना पड़ा, और अभी ट्रीटमेंट का कंप्लीट होने के बाद वो कितना सेटिस्फाई है क्षार सुत्रा के ट्रीटमेंट से। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो आप हमारे पास कहाँ से आए थे? सर, दिल्ली से आया हूँ। ओके ओके, क्या दिक्कत थी आपको? सर, मुझे फिशर था। कितना समय हो गया था फिशर को? 4-5 साल हो गए थे करीब। ओके, ट्रीटमेंट आपने बहुत ज्यादा लिया होगा फिशर का? सर, लिया था एक आध जगह, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ा था। ओके ओके, आयुर्वेद में आना चाहता था। ओके ओके, ठीक होता था फिर रिपीट होता था, ठीक होता था फिर रिपीट होता था, ठीक है? 5 महीने ठीक होता था, फिर दोबारा से वैसी प्रॉब्लम हो जाती थी। ओके ओके, किसी सर्जन ने आपको देखा होगा तो ऑपरेट बोला था कि नहीं बोला था? बस दवाइयां दी थी सर, उसके बाद बोला कि परहेज कीजिए। ओके, तो उससे कोई आराम मिला नहीं। तो मतलब आप ठीक नहीं हो पा रहे थे? नहीं हो पाए। तब आप क्षार सुत्रा में आए जी, और हमारे हॉस्पिटल के अंदर कैसे आए आप? सर, यूट्यूब के माध्यम से आया। ओके ओके, तो यूट्यूब के माध्यम से आप हमारे पास तक आए हो। आपको हमारे हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस कैसा लगा? सर, एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था, ट्रीटमेंट जो भी हुआ ओके प्रॉपर तरीके से बहुत बढ़िया रहा। ओके ओके, आपको आपको प्रोसीजर के दौरान, जिस दिन आपका प्रोसीजर हुआ था उसके कितनी देर बाद आप घर चले गए थे? सर, बस आधे घंटे के अंदर थोड़ा सा रेस्ट करके मैं चला गया, बाकी ऐसा कोई पेन वगैरह कुछ था नहीं। ओके, ऐसा तो नहीं लगा कि बहुत ज्यादा क्षार सुत्रा के बाद पेन होता हो, अनबियरेबल पेन आपको रहा हो? नहीं, ऐसा कोई पेन नहीं था। नहीं, माइल्ड पेन थोड़ा बहुत तो हो सकता है, लेकिन ऐसा पेन तो नहीं था कि बहुत ज्यादा पेन रहा हो? ज्यादा दर्द नहीं था, हल्का नॉर्मल होता है। ओके, उसको मतलब बियरेबल पेन था कि आप उसको बियर कर पा रहे थे जी। ऐसा जो बहुत ज्यादा भ्रांतियां समाज के अंदर पड़ी हुई है, बहुत से डॉक्टर्स फैलाते हैं कि भाई क्षार सुत्रा के बाद बहुत पेन होता है, बहुत परेशानी पेशेंट को देखनी पड़ती है, ऐसा तो नहीं आपको लगा बिल्कुल भी? बिल्कुल नहीं हुआ। तो अभी आप कंप्लीटली बिल्कुल ठीक हो? बिल्कुल सर। कंप्लीट सेटिस्फाई हो? बिल्कुल। कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो क्षार सुत्रा के दौरान? कोई दिक्कत नहीं हुई सर, अब बिल्कुल मैं नॉर्मल हो गया हूं जैसे पहले था। ओके, तो अभी व्यूअर्स को कुछ बोलना चाहते हो? सर, मैं यही बोलना चाहता हूं कि आयुर्वेद में आए। ओके, आयुर्वेद और क्षार सुत्रा बहुत बढ़िया है, इसमें जाना चाहिए। ओके ओके, तो गॉड ब्लेस यू बेटे, आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करो। अभी आप बीमारी से अपनी निकल के आए हो, ठीक हो, लेकिन अपनी केयर भी करो, खाने पीने का भी हमेशा ध्यान रखना। गॉड ब्लेस यू बेटा, अगेन थैंक्स कि आपने इतना अच्छा रिव्यू हमारे लिए दिया। गॉड ब्लेस यू।